इंडिया ने जो एक जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है, और जो स्पीड की 5 times इट इज द स्पीड ऑफ द साउंड, आप इमेजिन करें। अच्छा, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान की जो दर्जा बंदी है वो मनफी और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान के दिवालिया होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। वो टेक अवे ये है कि देयर इज अ राइज ऑफ न्यू एशियन पावर, और कहा जा रहा है कि वो जो नई एशियन पावर है दैट इज नॉट चाइना, दैट इज इंडिया। लॉन्च होने वाला है इंडिया का प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस। पाकिस्तान में सियासी बहरान इस वक्त अपने उरूज पर पहुंच चुका है, अवाम सड़कों पर है और मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया है। तो मैं बता रहा हूँ ना कि इन्होंने क्या किया कि जो इस मुल्क के असासे थे लूट सेल लगा दी, लगता सर लंडा बाजार है, और आज उसके नतीजे में ये हुआ। जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उन्होंने इंडिया को एज ए मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर देखा। दुनिया में तहलका मच गया, नासा भी हैरान है कि इंडिया इतनी कामयाबियां कैसे हासिल करे। अब ये देखें, ये रॉकेट समझा कहा जा रहा है कि 53,544 kg का जो रॉकेट है। आपको पता है इसरो का बजट इज 100th ऑफ दैट ऑफ नासा। जब इसरो ने 104 सैटेलाइट ऑर्बिट में डाले थे, जब डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा उससे पूछा, यार ये मैंने सुना ये सच है क्या? बोला हाँ सब सच है। बोला नासा वाले क्या कर रहे हैं? जिस तरीके से इसरो हमें नासा को कम्पीट करते हुए बराबर नजर आ रहा है, उसने वो एक अपना पहला प्राइवेटली मेड जो रॉकेट है वो भी जिसे आप कह लें कि विक्रम के नाम से, विक्रम एस के नाम से, उसको भी लॉन्च किया है। इंडिया ने जो एक जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है, क्योंकि इसने कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री जो है वो करेगी। अब ये देखें, ये रॉकेट समझा कहा जा रहा है कि 53,544 kg का जो रॉकेट है, जो कि बेसिकली जो लॉन्च किया गया है एक साइट है नियर चेन्नई के करीब से, और ये सुनने में आ रहा है कि ये 5 मार्च तक वहाँ पहुँच जाएगा, और जो स्पीड की 5 times इट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड, आप इमेजिन करें, और 83 kg का जो पेलोड है ये लेके जा सकता है। सो अगर आप ये देखें कि दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इंटरनेशनली, गो के लास्ट टाइम भी एक इंडिया ने जो है रॉकेट पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया था, वो खैर मिसाइल था, वो तो रॉकेट नहीं था। बट एनी हाउ, अब ये जो मैंने आपको बताया कि एशिया की जिसे कहते हैं ना कि द वर्ल्ड वेस्ट जो है वो इंडिया को एशियन पार देखना चाह रहा है, दे डोंट वॉन्ट चाइना एंड एशियन पार। सो इसलिए कहा जा रहा है कि जो इंडिया है दैट इज अमर्जिंग एज ए न्यू एशियन पावर। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इफ इंडिया इज अ न्यू एशियन पावर, तो बेसिकली दे आर डायरेक्टली कंपीटिंग, कंटेस्टिंग फॉर पावर, फॉर मनी, फॉर रिसोर्सेज, फॉर एवरीथिंग अगेंस्ट द चाइनीज। सो दैट इज वेयर आई थिंक व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज वेयर व्हाट वी हैव टू सी वेरी